इंस्टाग्राम पे आपने इंस्टा थ्रेड्स तो जरूर देखे होंगे, अब उसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल खबर मिली है कि ट्विटर अपने नए थ्रेड प्लेटफॉर्म को लेकर मेटा प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। सेमाफोर ने गुरुवार को ट्विटर के वकील एलेक्स स्पिरो द्वारा फेसबुक के मूल CEO मार्क जुकरबर्ग को भेजे गए एक पत्र का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट के बारे में बताया है। दरअसल स्पिरो ने पत्र में लिखा, ट्विटर अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को सख्ती से लागू करने का इरादा रखता है और मांग करता है कि मेटा किसी भी ट्विटर व्यापार रहस्य या अन्य अत्यधिक गोपनीय जानकारी का उपयोग बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाए। आपको बता दें कि मेटा ने बुधवार को मेटा थ्रेड्स लॉन्च किया क्योंकि सोशल मीडिया फर्म इंस्टाग्राम के अरबों उपयोगकर्ताओं का लाभ उठाकर एलन मस्क के ट्विटर पर कब्जा करना चाहती है। मेटा और स्पिरो ने अब तक इस पर टिप्पणी नहीं की है। इस बीच विश्लेषकों ने ये कहा है कि थ्रेड्स का इंस्टाग्राम से जुड़ाव इसे एक दिन विल्ड यूजर बेस और विज्ञापन टूल दे सकता है। ये ऐसे समय में ट्विटर से विज्ञापन डॉलर की हेरा फेरी कर सकता है जब इसका नया CEO अपना संघर्षित व्यवसाय को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं थ्रेड्स को एक स्टैंड अलोन ऐप के रूप में लॉन्च किया गया है। यूजर्स अपने इंस्टाग्राम क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और समान इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे ये इंस्टाग्राम के 2 बिलियन से अधिक मासिक सक्रिय यूजर्स के लिए मौजूदा आदतों में एक आसान काम बन जाएगा। आपको बता दें कि निवेश फर्म एजे बेल में वित्तीय विश्लेषण के प्रमुख डेनी हेवसन ने कहा कि निवेशक मदद नहीं कर सकते, लेकिन इस संभावना से थोड़ा उत्साहित है कि मेटा का पास वास्तव में ट्विटर किलर है। वहीं अन्य लोगों ने थ्रेड्स के लॉन्च को ट्विटर का कम विश्वास वर्जन बनाने के अवसर के रूप में देखा है। ओक्सियो कॉटेज ने अपने पोस्ट में कहा कि इस मंच पर अच्छी भावनाएं, मजबूत समुदाय, उत्कृष्ट हास्य और कम उत्पीड़न होगा। आपको बता दें कि कैसे काम करता है मेटा। दरअसल ट्विटर की तरह थ्रेड ऐप में छोटे टेक्स्ट पोस्ट होते हैं जिनमें यूजर्स लाइक कर सकते हैं, दोबारा पोस्ट कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। हालांकि इसमें कोई डायरेक्ट मैसेज की क्षमता नहीं है। मेटा ब्लॉग पोस्ट के अनुसार पोस्ट 500 अक्षरों तक लंबी हो सकती है और उसमें 5 मिनट तक के लिंक, फोटो और वीडियो शामिल हो सकते हैं। बता दें कि ये ऐप एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर दोनों पर ही 100 से अधिक देशों के लिए उपलब्ध है। बहरहाल अब आपको बता दें कि इंस्टाग्राम थ्रेड्स को कंपेयर किया जा रहा है ट्विटर से और यही कहा जा रहा है कि ट्विटर किलर अब मार्केट में आ गया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।